ये कहानी है मेरे एक और दिन की, और इस कहानी को रचने का श्रेय जाता है दादा और पोती को, यानी कि मेरे पापा और प्रियांशी को। प्रियांशी कब से उधर जाने की जिद कर रही थी, लेकिन मेरे पापा का कहना था सभी साथ में जाएंगे, लेकिन टाइम ही नहीं मिल पा रहा था। और आज शाम को 4:30 बजे अचानक मेरे पापा कहते हैं, चलो चलते हैं मोरादाम। फिर क्या, कहाँ जा रहे हो भाई? अभी हम लोगों ने दर्शन कर लिए हैं, शायद आप लोगों ने आगे देख लिया होगा। इस बोर्ड में जो लिखा है उसके मुताबिक इस मंदिर के अंदर जो माता दी की प्रतिमाएं हैं वो 1000 साल पहले अपने आप प्रकट हुई थी। मंदिर के पास में यह खूबसूरत जगह बनाई गई है जिसमें कई सारे झूले लगाए गए हैं, जिसका फायदा चाहे छोटा हो या फिर बड़ा सब उठाते हैं। मासी, मासी। यहाँ पर एक ये झूला था जो कि काफी ज्यादा मजेदार था, जिसमें सभी लोग चढ़ गए थे और इस मोमेंट को हम कैप्चर करना चाहते थे, तो मोबाइल में रिकॉर्डिंग चालू करके हम भी चढ़ जाते हैं झूले में, और वाकई में झूले में सभी को मजा आ गया। अब टाइम आ जाता है इस बैग को ओपन करने का, जिसके अंदर है कमाल का यंत्र जिसे कैमरा कहते हैं। इसको निकालने के बाद हम लोग पहुँच जाते हैं पास ही में बने एक सुंदर गार्डन में। गार्डन को वाकई में काफी ज्यादा खूबसूरत बनाया गया था, तो हमारे पास कैमरा होने से हम बन जाते हैं थोड़ी देर के लिए फोटोग्राफर, हम सबकी फोटो लेते हैं। लेकिन जब हमारी फोटो लेने की बारी आती है तो किसी को कैमरा चलाना आता ही नहीं था, तो कैमरे में टाइमर लगाकर खुद की कुछ ऐसी फोटो हम लोग लेते हैं। अभी दोस्तों शाम हो चुकी है और यहाँ पर लाइटें भी चालू हो चुकी है, जो कि काफी ज्यादा मस्त लग रही है। चारों ओर देखोगे तो मेरे पीछे आपको सारी लाइटें देखने को मिल जाएगी। अब वक्त हो चुका है इस कहानी से अलविदा लेने का। आई होप कि आपको हमारी कहानी जरूर पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ।